हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड सीखेंगे, जिसमें फिलहाल हम लोग आज दो मेथड सीखने वाले हैं। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो ठीक है, हम लोग देखिए देखते हैं इस सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो इस बात को देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह इक्वेशंस गिवेन है, मतलब दो इक्वेशन हम लोग को गिवेन है और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग यह सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और उसकी हेल्प से कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशंस गिवेन है उनको आप लिख लीजिए। तो 2x - y - 3 = 0 इक्वेशन नंबर वन लिख दीजिए, और दूसरा इक्वेशन लिख दीजिए 2x - y - 5 = 0। और इस बात का आप ध्यान दीजिए कि यह पहला पार्ट हम लोग करें, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए, सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, है ना। तो आपको करना क्या होता है कि जो इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस गिवन है, उसमें से किसी इक्वेशन से एक्स की या फिर वाई की वैल्यू जो इजीली फाइंड हो वह निकाल लीजिए। तो आप देखिए, फ्रॉम वन, यहाँ पर देखिए वन से अगर आप वाई की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर वन से, तो वाई क्या आ जाएगा, इधर चला गया ना, तो आ जाएगा 2x - 3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल लिया। हम x की भी निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि y की वैल्यू निकालना आसान है यहाँ पर, तो हमने y की वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही ना, 14 2। देखिए, हम लोग y की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह 4x - y के प्लेस पे आप लिख देंगे 2x - 3 - 5 = 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4x - 2x + 3 - 5 = 0। तो यहाँ देखिए 4x - 2x कितना हो गया, 2x प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 है ना, प्लस 3 और माइनस 5 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, उस टाइप ट्रांसफर कर दिया तो 2x = 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि पहले इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली और दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, पुट इन 3। ठीक है, तो देखिए लोग 3 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे 2 × 1 - 3, this is equal to -1। तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर y की वैल्यू भी पा गए। तो लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन यहाँ पे हो गया वह क्या हो गया, x = 1 and y = -1। देखिए प्रोसेस को समझिए, पहले आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1, 2 इनमें से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है। अब किसको चूज करना है, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें, उसकी हेल्प से x या y की वैल्यू जो इजीली फाइंड हो पाए आपसे वह निकाल लीजिए। फिलहाल हमें लगा कि y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, यह जो y की वैल्यू x के टर्म में निकाले हैं उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आ जाएगी उसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए कि यहाँ पे वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, तो हमें लगता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन को फिर लिख लीजिए 2x - y, और कोशिश करिए कि जो कांस्टेंट टर्म है वह राइट में लिख दें। ठीक बात है, तो इसको हमने देखिए राइट में लिख दिया है ना। अब उसके बाद देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या था, 4x - y = 5। अब देखिए आपको करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है वह देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो y है या फिर x है, इनके कोफिशियंट को आप सेम करिए। ठीक, जैसे अगर यहाँ पे 4x है तो आप यहाँ पे भी 4x करिए। तो क्या करना होगा, अगर हम इसको 4x करना चाहेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यह काम करेंगे। या फिर आप देखिए अगर कहीं कोफिशियंट ऑलरेडी सेम है तो फिर आपको ऐसा नहीं करने की आवश्यकता होगी। देखिए वाई कोफिशियंट -1 है और वाई कोफिशियंट यहाँ पे -1 है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोफिशियंट इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ऑलरेडी जो है कोफिशियंट इनके सेम है। ठीक, तो अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दीजिए,
तो इक्वेशन नंबर वन में से अगर ये देखिए जिसके कोफिशियंट सेम है या आपने सेम बना लिए हैं वहाँ पर आपको क्या करना है कि देखना है कि साइन क्या है। अगर साइन सेम है तो सबट्रैक्ट कर देना है, मतलब इक्वेशन वन में से इक्वेशन नंबर टू को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो आप देखिए अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या चेंजेज आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा या माइनस। देखिए 2x माइनस 4x, ठीक, तो 2x में से यहाँ पे 4x माइनस हो गया तो माइनस 2x बचा। देखिए y है, माइनस y है या y है, जीरो हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस 2 हो गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वह कितनी हो गई, 1। अब ये जो x की वैल्यू 1 हो गई, आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट इन वन। तो देखिए 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते तो क्या हो जाता, 2 × 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप y की वैल्यू पा जाते, उससे ट्रांसफर करते तो माइनस 1। तो आप देखिए x की वैल्यू पा गए 1 और y की वैल्यू पा गए माइनस 1। इसको आप एलिमिनेशन मेथड या इक्वेटिंग कोफिशियंट मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि कोफिशियंट को हम लोग इक्वेट करके करते हैं। अब आप देखिए इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ध्यान दीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था और यहाँ पे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 था। अगर हम यह कोफिशियंट को जो है x के कोफिशियंट को इक्वल करना चाहते हैं ना, तो x के कोफिशियंट को अगर इक्वल करना चाहते तो देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप मल्टीप्लाई कर देते 2 का। तो देखिए क्या हो जाता है, यह 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। पूरे इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको भी हम इतना बनाना चाह रहे थे। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए और 2 को आप उतार दीजिए। ठीक है, अब हमने ये उतार लिया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोफिशियंट सेम है ना, एक्स कोफिशियंट सेम हो गए और साइन भी सेम है, तो आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो देखिए 4x माइनस 4x 0 और माइनस 2y और प्लस y, तो माइनस y बराबर 6 माइनस 5 तो 1, तो y की वैल्यू यहाँ से आप पा गए कितना, माइनस 1। अब इसको आप पुट कर दीजिए, किस में पुट करेंगे, किसी में, तो जैसे हमने यहाँ पुट कर दिया 1 में, पुट इन 1, तो आप 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू पा जाएंगे, देखिए माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, उधर जाएगा 2 तो x की वैल्यू आ गई 1। तो आप देखिए यहाँ पर जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें हम लोग कोफिशियंट को इक्वेट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, जैसे यहाँ से हमने y हटाया है ना, तो इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आप y को भी रिप्लेस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर x से, यह डिपेंड करता है कि आपकी सुविधा क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे y को एलिमिनेट करना ज़्यादा ईजी था, तो हमने y को एलिमिनेट करके निकाला, और आप चाहें तो x को भी एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। अभी आप बात देखिए, ये दोनों मेथड जो है वो अल्जेब्रिक मेथड है, मतलब यहाँ पे आपको ग्राफ की कोई हेल्प नहीं लेनी है, अल्जेब्रा को यूज करके आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर, कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिनको अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने मेंशन किया है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड 1 इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब क्या कि दो नंबर्स हैं जिनके डिफरेंस 26 हैं और उसमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो देखिए अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम लगा रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होगा वेरिएबल को एज्यूम करना। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई दो नंबर का डिफरेंस 26 है, तो पहले वह दोनों नंबर आप एज्यूम कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, लेट नंबर्स आर क्या, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे आप ये लिख दीजिए कि जो एक्स है वह वाई से ग्रेटर है, कोई एक नंबर ग्रेटर होगा ना, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स वाई से क्या है, ग्रेटर। अब देखिए जो कंडीशन गिवन है उसके बेसिस पे अल्जेब्रिक फॉर्म में आप लिखिए, कहा गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 26, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरे पार्ट में यह कहा जा रहा है यहाँ पर कि नंबर 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो ठीक है भाई, बड़ा नंबर x है ना, तो x जो है y का 3 टाइम्स है, मतलब x इज इक्वल टू 3y। तो अब यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने जो कंडीशंस गिवन थी उसके बेसिस पे दो लीनियर इक्वेशन बना दिए है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो अब देखेंगे कि जो अल्जेब्रिक मेथड है
सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड कौन सा हम अप्लाई करें कि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x के टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू y के टर्म में ऑलरेडी गिवन है, मतलब डायरेक्ट हमको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जा रही है। तो हम लोग यहाँ से y की वैल्यू या x की वैल्यू न निकाल करके यहीं से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम टू इन वन, तो टू से वन में हमने पुट कर दिया। तो देखिए x का कितना हो गया, 3y, यहाँ पे ऑलरेडी y था ना, बराबर 26, मतलब 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13। इसका मतलब है कि हम लोग y की वैल्यू पा गए कितना, 13। अब ये जो y की वैल्यू आप पा गए हैं इसको इक्वेशन नंबर वन में या टू में सब्स्टिट्यूट करिए, तो खैर हम लोग पुट करेंगे टू में, तो पुट इन टू। तो देखिए y की वैल्यू पुट करिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 13, इसका मतलब कितना हो गया, 39। मतलब क्या कि x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो नंबर्स क्या थे, तो उसमें से एक नंबर था 39 और दूसरा नंबर था 13। तो यहाँ पर देखिए कि इस एग्जांपल को पहले हम लोगों ने अल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा और उसके बाद यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया क्योंकि वह ज़्यादा ईजी था और उसको यूज करके x और y की वैल्यू निकाल पाए। फिर आंसर अपने टर्म में लिख देंगे कि नंबर्स आर 13 और 39 या 39 और 13, ठीक। अब देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सेकेंड वाला पार्ट क्या कहा जा रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो होगा वह एक्स अपान वाई के फॉर्म में होगा ना, तो कोई फ्रैक्शन है वह 9/11 हो जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप ऐड कर देते हैं कितना, 2। आप देखिए सबसे पहले आप ऐसा करिए कि फ्रैक्शन एज्यूम कर लीजिए, तो हमने यह फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपान वाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई, ठीक है। अब कंडीशन पे आते हैं, देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या है, 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में भी आप 2 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी आप 2 ऐड कर दीजिए, तो ये जो फ्रैक्शन है वह कन्वर्ट हो जा रहा है 9/11 में, 9/11। देखिए न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन हो गया 9/11। अब यहाँ से इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, तो यह हो गया 11x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इज प्लस 22 9y, और 2 मल्टीप्लाई हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या पा गए, 11x माइनस 9y, आप 22 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो यह हो गया -4 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए एक और कंडीशन दी गई कि इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो x प्लस कितना, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर रहे हैं ना, तो y प्लस 3, और तब जो यह फ्रैक्शन है वह 5/6 हो जा रहा है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, तो अब देखिए कितना हो गया, यह 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो कितना, -3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग के पास देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन हो गए ना, एक इक्वेशन हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और दूसरा हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब देखिए जो यह दो इक्वेशन है इसमें आप यहाँ से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ जाइए, वैल्यू निकाल के सॉल्व करिए, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड, हम लोग बना लिए हैं, अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग y का कोफिशियंट इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे -9 है और यहाँ पे -5 है, छोटे नंबर से कैपिटली, तो आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 9 से, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 55x माइनस 5 से करेंगे तो 45y
और माइनस 20 आप इक्वेशन नंबर इसको 3 कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो यह दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 54x माइनस 45y इज इक्वल टू माइनस 27 आप इक्वेशन नंबर इसको 4 कर दीजिए। देखिए कोफिशियंट यहाँ पर y का सेम हो गया है और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करिए, आप ऐसे भी याद रखते सेम है तो सब्ट्रैक्ट करिए और डिफरेंट है तो ऐड कर देते, तो हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक बात है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 55x में से 54x किया तो x हो गया, यहाँ पर तो 0 हो जा रहा है ना, और यहाँ पे देखिए अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यह माइनस हो गया था या प्लस हो गया था या साइन चेंज होकर प्लस हो गया था तो यह आ गया 7 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20 है प्लस 27 तो 7 x की वैल्यू जो है वो आ गई कितनी 7। अब ये जो x की वैल्यू आई है आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, तो फिलहाल 2 में करते हैं, छोटा है ना, पुट इन 2, ठीक है, छोटा मतलब कोफिशियंट्स छोटे छोटे हैं तो आसानी से निकल जाएगा। 6 × 7 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3 तो कितना हो गया भाई, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब देखिए क्या किया हमने, पहले यहाँ पे समझिए x की जो वैल्यू थी वह हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद y निकाले तो यह कितना हो गया 42 माइनस 5y बराबर माइनस 3, तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह ट्रांसफर कर देंगे ना तो 45 बराबर 5y और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पर देखिए कि x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई कितनी 9। इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था भाई, x अपान y था ना, तो इसका मतलब हो गया 7/9, मतलब जो फ्रैक्शन था वह कितना था 7/9। तो देखिए पहले हम लोगों ने क्या करा कि केयरफुली जो है जो क्वेश्चन था उसको पढ़ा और सबसे पहला काम कि वेरिएबल को एज्यूम किया और उसके बाद कंडीशन के थ्रू हमने जो है लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिया। फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हम किस मेथड के साथ जाएंगे, क्या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे या एलिमिनेशन, वह आपकी सुविधा पे, अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में, कहा गया भाई अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करिए तो आप फ्री हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई कोफिशियंट को इक्वेट कर लेते हैं जो हमको थोड़ा इजी लगा, तो हमने कोफिशियंट को इक्वेट करने की सोची। अब दूसरी बात है कि भाई किसके कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो देख लीजिए कि किसके नंबर्स कंपेरेटिवली छोटे हैं। अब यहाँ देखिए 11 है, 6 है, थोड़ा बड़ा है, आज तो जाएगा लेकिन आसानी होती कि अगर हम वाई के लिए यह काम करते, तो हमने वाई को या कोफिशियंट को इक्वेट करना चाहा तो देखा कि भाई 9 है 5 है तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 9 और उसके बाद फिर देखा कि साइन सेम है तो हमने इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिफरेंट होता तो ऐड कर देते, तो x की वैल्यू आ गई सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो फाइनली फ्रैक्शन आ गया 7/9। तो देखिए जो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाया। अगले पार्ट में हम लोग कुछ और वर्ड प्रॉब्लम लेंगे और वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए,